कुरुक्षेत्र के विधानसभा थानेसर से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अशोक अरोड़ा ने नामांकन किया। अशोक अरोड़ा समर्थकों सहित नामांकन दाखिल करने उपमंडल थानेसर कार्यालय पहुंचे। पत्रकार वार्ता में अशोक अरोड़ा ने बीजेपी के 75 पार नारे को कहा, अब की बार 75 पार नहीं यमुना पार होगी बीजेपी। अशोक अरोड़ा ने दावा किया कि आज शाम तक और भी कई नेता कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र भरा, मैं आभार व्यक्त करता हूं कांग्रेस हाईकमान का, श्रीमती सोनिया गांधी का, कुमारी शैलजा जी का, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, कि जिन्होंने मेरे प्रति विश्वास व्यक्त करके मुझे चुनाव लड़ने का मौका दिया। और मैं थानेसर विधानसभा क्षेत्र के हजारों उन कार्यकर्ता साथियों का, वोटर का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि जो आज अपना आशीर्वाद देने मुझे यहाँ पर पहुँचे। हमने अपना थानेसर विधानसभा क्षेत्र आज नामांकन पत्र भरने से पहले सभी गांवों में सभी लोगों को मिलके आज मैंने निमंत्रण दिया था, और मुझे खुशी है कि आज इतनी भारी जनसमूह ने जो मुझे आशीर्वाद दिया, मैं इनका ऋणी। लोग बरसों तक मेरे साथ रहे हैं, आज उनमें से कोई व्यक्ति भी ऐसा नहीं जो मेरे साथ ना हो। आज कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता, चाहे वो नए हैं पुराने हैं, एक परिवार की तरह मेरे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो घमंड से बड़ी सरकार ये नारा देती थी कि अब की बार 75 पार, आज हरियाणा प्रदेश की जनता इनका घमंड चकनाचूर करेगी और हरियाणा 75 पार नहीं, इनको जमुना पार भेजेगी।